गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 8th क्लास का लेसन 4 भिक्षुक के विषय में जानेंगे। भिक्षुक क्या होता है? भिक्षुक यानी भिखारी, गरीब। भिक्षुक के प्रति हमें, या जो गरीब लोग हैं उनके प्रति हमें सदैव दया दृष्टि की भावना रखनी चाहिए। ऐसा ही कुछ इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सज्जित वे में इसको समझाने का प्रयास किया है कि हमें एक भिक्षुक के प्रति किस तरीके की भावना रखनी चाहिए। और जब हम किसी गरीब को देखते हैं तो हमारे हृदय पर कितनी वेदना होती है और किस तरीके की भावनाएं आती हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह आता यानी जब भिक्षुक दीन भिखारी आता है तो वह हृदय के टुकड़े कर जाता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। जिसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं और वह लकुटिया यानी लाठी टेक कर चल रहा है, यानी वह इतना भूखा है, इतना दीन है, इतना लाचार है कि वह लकुटिया लाठी टेक कर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह मात्र एक मुट्ठी दाने के लिए और अपनी शुदा को शांत करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए एक झोली, जो कि वह भी फटी हुई है, उसे लोगों के सामने फैला रहा है और उनसे भीख मांग रहा है कि कुछ उनसे खाने के लिए मिल जाए। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और वह हृदय के को आघात पहुंचा रहा है और हृदय के टुकड़े कर जाता है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हुए। उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो हमेशा हाथ फैलाए हुए और बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं, यानी वो भूख से व्याकुल हैं और अपने पेट को सहला रहे हैं। और दाहिनी दया दृष्टि पाने को बढ़ाएं, और अपना दाया हाथ दया दृष्टि से उससे मांगने के लिए आगे कर रहे हैं। भूख से सूख होठ जब जाते, और भूख से उनकी होठ, इतने भूखे प्यासे के उनकी होठ सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। और वह उस भाग्य विधाता से क्या पाते हैं, वो मांग, भाग्य विधाता जिसे वह मांग रहे हैं, निरंतर मांग रहे हैं और उसे कुछ नहीं मिलता, और वह मात्र अपने इस पीड़ा में केवल आंसुओं को ही पीकर रह जाते हैं। और वह कलेजे के टुकड़े टुकड़े, जब ऐसा हम देखते तो वह हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर जाते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल भी वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को हैं कुत्ते उनसे अड़े हुए। वह जो सड़क के किनारे झूठी पत्तलें पड़ी हुई हैं उन्हें चाट रहे हैं, उनसे जो मिल रहा है उससे अपना पेट भरने को आतुर हैं, लेकिन वहाँ भी कुत्ते खड़े हुए हैं। ठहरो आह, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु, जैसे हो सकोगे तुम तुम्हारे दुख में खींच लूंगा। अब कवि क्या कह रहा है कि ठहरो, मेरे हृदय में कुछ दया है, कुछ अमृत के समान भरा हुआ है, जिससे मैं तुम्हें इस तरीके से निर्मित कर दूंगा कि तुम भी अभिमन्यु जैसे
बन सकोगे और कोशिश करूँगा कि तुम्हारे दुखों को मैं कुछ कम कर सकूँ। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, और वह पछताते हुए कलेजे के पथ पर आता है और हृदय के टुकड़े टुकड़े कर जाता है। तो प्रस्तुत कविता में कुछ ऐसा ही कवि ने बताया है कि हमें हमेशा गरीबों के प्रति या दीन व्यक्ति हैं उनके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, और अगर हमें परमात्मा ने जितना दिया है उसमें से सदैव कुछ हिस्सा अपने से निम्न स्तर के लोगों को देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिससे हम उनकी इच्छाओं को पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन उनमें जो हीन भावना है उसको हम कुछ कम कर सकते हैं, और उनकी क्षुधा को तो हम मिटा ही सकते हैं।